यूपी के कौशाम्बी में मंझनपुर कोतवाली इलाके में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान युवती के साथ गैंग रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। यहां एक परिवार ने अपने 20 वर्षीय बेटी को बुखार की शिकायत होने पर समदा स्थित अस्पताल न्यू तेजमती में लगभग एक महीने पहले भर्ती कराया था। युवती ने इलाज के दौरान अस्पताल में डॉक्टर व स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए थे। पीड़िता ने परिवार को अपनी पूरी आपबीती बताई थी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से शिकायत की, लेकिन डॉक्टरों ने युवती की दिमागी हालत ठीक न होने की बात कहकर मामले को दबा दिया था। लेकिन युवती की रहस्यमय मौत ने आरोपों को और गंभीर बना दिया। बता दें कि घटना के बाद मृतका के पिता ने डीएम को शिकायती पत्र देकर मजिस्ट्रेट जांच की मांग की थी। जांच में अस्पताल के चिकित्सक व स्टाफ पर लगाए गए सभी आरोप साबित हुए। डीएम ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। मंझनपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मुकदमा दर्ज होने की जानकारी मिलते ही अस्पताल के ज्यादातर स्टाफ नदारद हो गए हैं। अस्पताल के चिकित्सक और स्टाफ पर दर्ज हुआ है गैंगरेप और हत्या का, क्या है मामला? कोई मामला नहीं है, फर्जी है ये सब चीजें। अस्पताल को बदनाम करने की साजिश चल रही है। कैसे अस्पताल को बदनाम करने की साजिश? मुकदमा दर्ज हुआ है, मजिस्ट्रेटी जांच हुई है। देखिए मजिस्ट्रेटी जांच हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ मतलब अस्पताल में नहीं है और ये चीज ऐसा नहीं, हम लोग कोई गलत काम नहीं हुआ है। ठीक है, जो युवती मरी है क्या वो आपके यहाँ भर्ती नहीं थी? नहीं, भर्ती हमारे यहाँ थी। पेशेंट बहुत सीरियस भी था, वो जब आया तो उसके घर वालों को, माता पिता को उसके बताया गया, हर चीज़ बता के एडमिशन कराया गया। उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी ली कि हाँ ठीक है आप इलाज करिए, जैसा भी होगा हम देखेंगे। बाद में क्यों फिर मुकर गए उनके पिताजी लोग? अब ये तो मुझे नहीं पता, वो लोग अपने आप पेशेंट को जबरदस्ती निकाल के लेके चले गए यहाँ से। अब क्या हुआ क्या नहीं हम लोग को नहीं पता। वो लोग अपने कहना है कि आप लोगों ने सुबह भोर में ही भगा दिया था उन लोगों को मरने के। नहीं नहीं नहीं, भगाया वगाया नहीं गया और ना ही हमारे यहाँ मरीज मरी है। पेशेंट हमारे यहाँ नहीं मरा है, पेशेंट टीपीस पे यहाँ से गया है, पेशेंट हमारे यहाँ नहीं मरा। नाम क्या है आपका? संजीव नाम है। क्या है आप हॉस्पिटल? एज अ मैनेजर मैं यहाँ वर्क करता हूँ। स्टाफ के खिलाफ एक गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या है पूरा मामला, इस पर क्या कार्रवाई की जाए? देखिए इसमें एक जो कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक शिकायत पत्र में ये शिकायत दर्ज करी गई थी उनके जो एग्राइव पार्टी है उसके परिजनों द्वारा कि ऐसा ऐसा उनके उनकी बेटी के साथ हुआ है, तो उसके संदर्भ में एक मजिस्ट्रियल जांच जिसमें जिसके अध्यक्षता एडीएम जुडिशियल साहब कर रहे थे वो थे, प्लस उसमें एक जो हमारी डीपीसीएमओ हैं लेडी डॉक्टर हैं वो थी और एक लेडी रजिस्टर्ड ऑफिसर थी, इनके तीनों द्वारा उनकी मजिस्ट्रियल जांच कराई गई और वो मजिस्ट्रियल जांच जो है इस जनपद के प्रधान साहब को प्रसारित करी गई उपयुक्त कार्यवाही हेतु, जो उनके स्तर द्वारा उसको उसको स्टडी किया गया और उस पर अग्रतर कार्रवाई की गई, जिसके क्रम में जो साहब द्वारा बताया गया है FIR दर्ज की गई है। तो इस मामले की पूरी छानबीन करवाई जा रही है और यदि उसमें जो भी जिन्हें व्यक्तियों का इसमें रोल आएगा या कोई उनके द्वारा यदि ऐसा कार्य किया गया तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है सुसंगत धाराओं में करवाई जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल Alive 24 News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।